गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना इस माइलस्टोन की बुक में क्लास सेवन्थ के मैथमेटिक्स में चैप्टर 12 पढ़ेंगे। 11 चैप्टर तक हम लोगों ने काम कंप्लीट कर लिया है, अब हम चैप्टर 12 पढ़ेंगे। चैप्टर 12 है पेरीमीटर एंड एरिया। यहाँ आपके पास हेडिंग लिखी हुई है पेरीमीटर एंड एरिया। अब हम बारी बारी से पहले पेरीमीटर पढ़ेंगे, उसके बाद एरिया पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि पेरीमीटर होता क्या है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर मीन्स होता है किसी भी चीज की बाउंड्री। जैसे आपको अभी ये दे दिया जाए, ऐसे एक बॉक्स दे दिया गया टेढ़ा मेढ़ा ऐसे, और इसके आपसे पूछा जाए कि इसका पेरीमीटर क्या हो, तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, इसको 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 सबको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो सम ऑफ ऑल साइड्स होगा वही उसका पेरीमीटर होगा। ठीक है, मतलब जितनी भी साइड्स हैं उन सबको सम करते हैं। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं, पूछा जाए कि इस कमरे का पेरीमीटर क्या है, तो हम क्या करेंगे, उसकी जो बाउंड्री है, जैसे मान लो कमरा 10 फीट चौड़ा है, तो हम 10 प्लस इधर 8 है, तो 8 प्लस 10 प्लस 8 ऐसे बनाएंगे, या जो इसकी डायमेंशन होगी उन सबको हम आपस में प्लस करेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को पेरीमीटर कहते हैं। आइए आप जानते हैं आगे कि जो दो तीन मेन पढ़ने हम लोगों को, उनमें सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर मीन्स जिसकी सारी साइड आपस में इक्वल होती है, मतलब ये 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 सब बराबर है। अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, चारों साइड क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैंने बताया था सभी साइड्स का सम, जितनी उसकी बाउंड्री होगी सब सम कर दिया जाएगा। तो मीन्स क्या करना पड़ेगा आपको, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ए इंटू ए ए सॉरी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, चार बार आप प्लस कर देंगे, ये क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 4a। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a, या इसको आप कहीं कहीं ऐसे लिखा भी देखेंगे 4 इंटू साइड, तो इस तरह से भी लिखा हो सकता है, या आप सीधा सीधा इसको 4a, जब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप, 4a। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको, अगर स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना हो तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक, अब आइए दूसरे फिगर के बारे में जानते हैं, जो आपकी फाइनल एक्सरसाइज में तीन पढ़ने हैं, वो मैं तीन बता देता हूं आपको। पहले आपने स्क्वायर पढ़ना है, स्क्वायर 4 इनटू साइड या 4a, दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है। अब आइए जानते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। एक बात ध्यान में रखिए, मैंने बताया कि पेरीमीटर जो होता है वो बाउंड्री होता है। क्या होता है, किसी भी जो ऑब्जेक्ट होगा, जो भी आपके पास फिगर होगा, उसकी जो सम ऑफ बाउंड्री होगी, चारों साइड जितनी भी होगी, 4, 5, 6, 2, 3 जो भी होगी, उस सबको सम करेंगे तो उससे हमको जो वैल्यू मिलेगी वो पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर मींस बाउंड्री, इतना ध्यान रखिएगा बस। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अभी तक आपने स्क्वायर पढ़ा, अब रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कुछ इस तरह के शेप में होता है, इसकी सामने सामने की साइड आपस में इक्वल और पैरेलल होती है। ठीक, तो मान लो आपके पास ये लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया, ये भी लेंथ हो जाएगा, ये भी ब्रेड्थ हो जाएगा। ठीक, अब फिर मैंने बताया था कि पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर मींस सम ऑफ बाउंड्री, तो फिर क्या हो जाएगा, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, एल इसको प्लस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, इससे फॉर्मूला बन जाएगा, एक एल और एक एल मिलके 2l प्लस बी और बी मिलके 2b। अब देखो 2l प्लस 2b ये भी पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे, अब आपके पास बच गया l प्लस बी। ये हो गया फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, फॉर्मूला क्या हो गया, एल टू एल प्लस बी, मतलब दो लेंथ और दो ब्रेथ, 2 times लेंथ प्लस 2 times ब्रेथ इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ऐसे आप कह सकते हैं इसको, 2 times लेंथ प्लस 2 times ब्रेथ इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 4 into साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। समझ में आया ये, आइए अब हम आगे चलते हैं, तीसरा फॉर्मूला बताते हैं जो आपको अभी देखना है। पेरीमीटर रेक्टेंगल का पढ़ लिया आपने, स्क्वायर का पढ़ लिया, अब आइए देखते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब यहां किसी स्पेसिफिक ट्रायंगल के बारे में बात नहीं हो, मींस अगर आइसोसेलीज है, स्केलिंग है, कि कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, वो उसके बारे में बात नहीं हो, बस पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब हम इसको लिखेंगे, मान लो ये इसकी साइड ये ए है, ये बी है, ये सी ना, तो अब हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स। में बार बार बता रहा हूं कि कोई भी पेरीमीटर जो होगा वो हमेशा सारी साइड का सम होगा, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी। अब ये ए प्लस बी प्लस सी जो है, ये तीनों साइड है ट्रायंगल, इक्विलेटरल होगा तो तीनों सेम साइड होगी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
आइसोसेलीज होगा तो दो सेमेंटिक दो जो इक्वल होगी उससे मल्टीप्लाई करके तीसरे वाले को प्लस कर देंगे। इसके लिए है तो a + b + c या तीनों में a + b + c आप कर सकते हो। इक्विलेटरल है तब भी a + b + c कर दो, सब में आंसर आपका सेम आ रहा है। आप इसको कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं साइड 1 + साइड 2 + साइड 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, या साइड + साइड + साइड लिख सकते हैं, या a + b + c लिख सकते हैं। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। आइए अब हम सीधा एक्सरसाइज में चलते हैं, देखते हैं दो क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी इसकी इस चैप्टर की। लेट्स ट्राई वन में देखता हूं, उसके बाद फिर इसका लेट्स ट्राई वन है। फाइंड द पेरिमीटर ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन है अ स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। मैंने अभी बताया था आपको पेरिमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4 इंटू ए मींस 4 इंटू साइड। अब आपके पास साइड दी हुई है कितनी 5, अब आप यहां रखते हो 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, जो यूनिट रहेगी मीटर रहेगा मीटर में, सेंटीमीटर रहेगा सेंटीमीटर में। इस तरह से आप इसको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपने लेट साइड रखे, ये पहला क्वेश्चन है आपने निकाल लिया। अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें इस क्वेश्चन को पढ़ के एक और मैं सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग इस लेट स्ट्राइक को आसानी से अपने मन से जितना हो सके करिए। इजी चैप्टर है, जब तक पेरीमीटर पढ़ रहे हैं तब तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। ठीक, तो अभी देखो इसमें लिखा है अ स्टील फेंस इज टू बी कंस्ट्रक्टेड अराउंड अ रेक्टेंगुलर स्टेबल, द स्टेबल मेजर 5.2 मीटर इंटू 5 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द फेंसिंग रिक्वायर्ड। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर स्टेबल है, मतलब रेक्टेंगल की तरह स्टील का पैकेट लगाना है इसमें, ये दिया है 5.2 सेंटीमीटर और विड्थ दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द फेंसिंग रिक्वायर्ड, कह रहा है कि यहां से यहां तक इसमें स्टील लगाने में कितना लगेगा, तो क्या निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ क्या, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पहले क्वेश्चन में आप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल लो, ये आपकी एल है, ये आपकी बी है। ठीक है, एल 2l + b में रख दो, ये लेंथ है और ये विड्थ है, इसको रख दो आंसर आ जाएगा। दूसरे वाले में कह रहा है कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंस इफ इट्स रेट इज 120 पर मीटर, कह रहा है कि पैसा बताओ अगर उसमें 120 रुपए पर मीटर के हिसाब से खर्चा आ रहा है, जो आपका पेरीमीटर आएगा उसमें 120 से आप मल्टीप्लाई कर दो उतना खर्चा आएगा, सीधी सीधी बात है। जैसे मान लो अभी आप इसको 2l + b करोगे, 2l means 5.2 plus b means 5, इसको सॉल्व कर लो जो आता है आंसर उसमें आप 120 से मल्टीप्लाई कर लो, वो कॉस्ट आ जाएगी उतना पैसा खर्चा होगा आपका। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व करिए। और फिर अगला क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 120 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट साइड। अब ये इसमें दूसरे तरह का सवाल लिख दे दिया है, दूसरे तरह का क्या सवाल भैया थोड़ा घुमा दिया, अगर आपको एक बार में सवाल समझ में ना आए आप उसको दो बार में। दिया है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 4a मतलब 4 into side, ठीक है? अब यहां दे दिया है 120 is equal to 4a, अब a पूछा है, साइड पता करनी है, तो अब क्या करेंगे हम a is equal to 120 अपॉन ये 4 इधर चला जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दो 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, मीटर है तो मीटर 30 सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर है तो 30 सेंटीमीटर आंसर आ गया। इस तरह से आप आराम से निकालो। और अगला क्वेश्चन जो है शीतल इज डिजाइनिंग अ फ्लैग, शी वांट्स टू पुट अ कलर्ड बॉर्डर अराउंड द फ्लैग, हाउ लॉन्ग इज द बॉर्डर। अब इसमें तीनों साइड दी हुई है, आपको इजीली तीनों को ऐड करना है बस, बाकी कुछ करना नहीं। 5, 6, 7 सारे क्वेश्चंस को आप करिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे एरिया के बारे में। अभी एक वीडियो में आपका ये कवर हो गया पेरीमीटर, अगले वीडियो में आपको ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का और उसका पेरीमीटर के बाद एरिया बताएंगे हम, किसका, ट्रायंगल का, स्क्वायर का और रेक्टेंगल का। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, आगे की वीडियो में फिर से मिलते हैं हम लोग। ठीक है।